शासन के आगे वो आगे था पुराना मंदिर, मुगल शासन के आगे था, मुगल शासन की ओर पहले का मंदिर। नर्मदे हर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग ग्राम भरभूत जिला भरूच ये नर्मदा तट के किनारे केवट आश्रम है। हरेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, नर्मदा मंदिर है, केवट आश्रम, यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए हैं, ये केवट आश्रम के बारे में बताएंगे। भैया नर्मदे हर नर्मदे, नाम क्या है आपका भैया? प्रकाश भाई। प्रकाश भाई, प्रकाश भाई कुछ बताइए मंदिर के बारे में, आश्रम के। ये मंदिर तो केवट समाज ने बनाया है, ये मंदिर केवट नर्मदा माता का मैया का और रामजी मंदिर है और दशा माता का मंदिर। ये दशा माता मंदिर नर्मदे, प्रकाश भाई ये फोटो किसकी है मंदिर? ये इसके भाई है, मैं माता की सेवा कर रहे थे। अच्छा जी। हाँ, इस साल उसका ये स्वर्ग हुआ। अच्छा, इसी साल स्वर्ग हुआ। हाँ, इसी साल ये मंदिर में सेवा में थे रमन भाई सोमा। यहाँ पर ये प्रथा है कि बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप बच्चे की फोटो यहाँ मंदिर में लगा देते हैं। यहाँ पे भी ये किसकी स्थापना होगी मंदिर में? ये नर्मदा माता की स्थापना। अच्छा, ये नया मंदिर बना है? नहीं, ये मंदिर पुराना था, उसमें वो मैया के प्रतिमा थी ना, वो खंडित हो गई थी, तो उसमें विसर्जन नई मूर्ति लाई। प्रतिमा खंडित हो गई थी पुरानी? पुरानी, तो नई मूर्ति बनाई, नई प्रतिमा यहाँ स्थापित होंगी। हाँ, यही प्रतिमा है भैया क्या? ये अम्बे माता की है, वो दूसरा है, दूसरे बाजू में अम्बे माता की है, ये भी प्रतिमा है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों की भी रुकने की व्यवस्था है। केवट आश्रम ऊपर भी यहाँ परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था है। पीछे भारेश्वर महादेव मंदिर है, भारेश्वर महादेव मंदिर। ये भारेश्वर मंदिर का मेन गेट है। हाँ भैया, ये पंचमुखी हनुमान, ये महादेव का मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर। काफ़ी बड़े नंदी महाराज बैठे हुए हैं यहाँ। पंचमुखी महादेव मंदिर
शंकर जी के यहाँ पांच मुख हैं। ये निर्माण काफी पुराना लग रहा है। यहाँ पर भैया ने बताया ये कितना पुराना होगा भैया? मुगल शासन के आगे वो आगे का पुराना मंदिर, मुगल शासन के आगे का, मुगल शासन की और पहले का मंदिर है। कंस्ट्रक्शन है ये, काफी पुरानी इमारतें हैं। नर्मदा माता जी का मंदिर, हरेश्वर महादेव, गुरुजी प्रणाम। बरिया देव मंदिर, भैया यहाँ पे बच्चों की क्यों फोटो लगी हुई है? ये इसकी बारे में लगी हुई है, ये बरिया देव है ना। हाँ। जब पूरी आती है ना तो बच्चों के पोते यहाँ से बांध लेते। हाँ। और 7 दिन तक घर में वो नीम का पत्ता है ना, नीम का पत्ता आता है ना। हाँ। तो घर में बांधते। अच्छा। हाँ, उसकी सेवा कर रहे और फिर जो नीम का पत्ता उसको फैलाते सुबह शाम को, सुबह में और शाम रात शाम को, तभी वो वही 7 दिन तक रहती है और फिर यहाँ पे मान्यता होती है बच्चों। अच्छा। हाँ। काल भैरवी माता मंदिर और ये जलाराम महाराज की प्रतिमा। जलाराम एक समय में बहुत बड़े संत सेवक हुए, संतोषी माता मंदिर। गणेश भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, ये प्रतिमाएं भी काफी पुरानी लग रही हैं। गायत्री मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर,
हरीश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भैया बताएंगे कुछ यहाँ पुरानी जो भी कथा है। जी भैया बताएं। ये सोमेश्वर है ना, पहले आश्रम चला रही थी और उस टाइम कैसे हरीश्वर छोटे बटुक के रूप में आए थे, छोटे में आए थे, बटुक के रूप में आए थे और यहाँ से पढ़ने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हर रोज शिष्य का खाना बनाना था, उसका काम करना था, ये चलाने के आश्रम चलाने की हर शिष्य की बारी आती थी खाना बनाने के लिए। तो इसलिए एक टाइम क्या हुआ कि वो पाँचों का ऐसे शिष्य है ना, उसने खाना बनाया, उसकी बारी आई। तब उसने कहा कि मेरी आज तुम्हारी बारी खाने के बनाने के लिए। तो तब ऐसा कहा वो जो पाँच शिष्य से ना, तो इसने कहा तुम्हारी बारी आ, जो तो नहीं बनाया तो तुमको मैया में हम डाल देगी। तो वो तो भगवान था, तो उसने तो उसके साथ खेल कूद रहे, तो उसने कहा कि आज शरत लगी थी, ये शरत लगी थी आज तुम्हारी बारी खाने बनाने के लिए। तो उसने फिर उसकी बारी आई तो तब ये तो खेलने कूदने लग गए। तो जो ये शिष्य पांच शिष्य ने उसने कहा जो नहीं बनाएगा तुमको पानी में डाल देंगे, मैया के अंदर तुमको डाल देंगे। तो भगवान ने भी शरत लगा, जो मैं जब खाना बनाऊँगा तो तुम खाना नहीं होगा तो मैं तुमको लग दूँगा पानी में। तो उसी ऐसी कहानी है। तो फिर एक दिन ये वही से भगवान और वहाँ पे खेलकूद के वहाँ आश्रम में चले गए, तो खाना जो वहाँ तक खाना बना हुआ था। तो काल त्रिदेव तो वो महादेव तो खाना बना दिया, तो उसने शरत तो मंजूर कर दी। तो गुरु को उसको पता नहीं था कि उसको शरत लगाई है, उसको शरत लगाई है, गुरु को पता नहीं था, सोमेश्वर को उसका गुरु था उसको पता नहीं था। तो फिर एक दिन वो ये चीज जो खाना बन गया था और फिर जो शरत लगी हुई वो उसने पांचों शिष्य को बारेश्वर ने पानी में डाल दिया, उसका नाम बारेश्वर पड़ा। इस रहस्य का वही अच्छा हाँ वो पढ़ने आ रहे भाई, सबने भाई गुरु ने माना। तो भाई के वो पांचों शिष्य का बारिश को पूछा कि पांचों शिष्य कहाँ गए, तो मैं तो पानी में डाल दिया, हम कहीं हमारी तो शरत लगी हुई थी। ऐसा वही कहानी है। और फिर वो आते फिर भगवान ने किया कि वो क्या गुरु को पता चला है वो तो भगवान ही, तब उसका नाम बारेश्वर पड़ा और उसको पांचों शिष्यों ने भी निकाला और उसकी यहाँ स्थापना हो गई। ठीक है, ये पांच शिवलिंग है ना, हाँ। ये पांच शिवलिंग सात शिवलिंग है, वही शिष्य का ही है, वही पांच। हाँ ठीक है भैया। नर्मदेहर नर्मदेहर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला भरूच, ग्राम भाड़भूत, गुजरात, नर्मदेहर।